फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V30 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की सॉफ्टवेयर अपडेट फेल्ड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब भी अपने मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो यहाँ पर जो है ना हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट जो है बीच में फेल्ड हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको अगला काम ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन में ना ये फाइल का ऐप होता है, ये फाइल का ऐप ओपन करना है। इस फाइल के ऐप में आपको नीचे की साइड एप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे ऊपर इस सिस्टम ऐप पे टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको जो है नीचे की साइड स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अब देखिए अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है क्लियर कैच, क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है यानी कि सिस्टम जो होता है, जब भी आप अपडेट करते हैं और वो फेल्ड हो जाता है, उसका एक कारण ये भी होता है कि आप जब आपके देखिए मोबाइल फोन का इंटरनेट आपका चालू रहना चाहिए जब भी आप फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आप जब भी फोन का सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो उसको अपडेट होने के लिए थोड़े बहुत इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, 50 MB, 100 MB, 200 MB, ऐसे MB की थोड़े बहुत इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपके फोन में इंटरनेट MB में होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि थोड़े बहुत इंटरनेट की जरूरत तो पड़ती है। क्योंकि अगर इंटरनेट अगर पूरा नहीं होगा ना, तो इससे बीच में ही हमारा मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होता है वो फेल्ड हो जाता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है खास करके। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना एक बार रीसेट कर देना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो इसके अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर अपडेट फेल्ड हो जाता है बीच में, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगी।